वेलकम टू द विशेष क्लासेस सो वेलकम टू अवर कंटिन्यू सीरीज ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो आज हम करेंगे वो करेंगे ट्वेंटी जून टू थाउजेंड नाइनटीन शिफ्ट वन शिफ्ट टू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की सिर्फ यही ट्रिक है कि जितनी आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है तो हम इसी पर्पज़ से ये सीरीज लेके आए हैं कि जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं आप देख लें और वहाँ पर आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए हैं कैसे कैसे किस हर एक सीरीज़ uh, में मतलब हर एक सब्जेक्ट में कैसे कैसे आए हुए हैं हर एक शिफ्ट में ठीक है तो किसी भी डीआई को करने से पहले सबसे अच्छा है कि आप उसको पहले पढ़ें आपको पता होना चाहिए कि उस टेबल में एक्चुअली दिया क्या हुआ है तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है तो अभी अगर हम देखें इस इसमें क्या दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल डेट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ स्टूडेंट इन टू सेक्शन उसने दो सेक्शन के स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है हमें अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑप्टेन बाय दैम मतलब उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो जो उन्होंने मार्क्स ऑप्टेन किया उनके उस अकॉर्डिंग है देर इज़ अ टोटल ऑफ फोर्टी स्टूडेंट्स दोनों सेक्शंस में अलग अलग फोर्टी uh, uh, स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में भी फोर्टी फाइव हैं सेक्शन बी में भी फोर्टी फाइव हैं तो हमें जो आंसर करना है उसके बेस पे करना है ठीक है मतलब ये मार्क्स हैं सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके तो चलूँ तो जीरो टू नाइन के बीच में जितने मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं सेक्शन ए में दो बच्चों के हैं और सेक्शन बी में फोर के हैं ठीक है ठीके? तो आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट में करके बताएंगे बहुत ही ईजी डी आई है इसी इजी डी आई आई डोंट थिंक सो कि अभी तक नेट में आया होगा ठीक है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैव ऑप्टेन थर्टी और मोर मार्क्स बट लेस देन फिफ्टी इसने बोला कि सेक्शन ए पहले तो आपको सिर्फ सेक्शन ए का ही देखना है कि जो इसने ऑप्टेन किया थर्टी और मोर मार्क्स बट लेस देन फिफ्टी मतलब थर्टी से ज़्यादा मोर मार्क्स मतलब थर्टी से ज़्यादा और लेस देन फिफ्टी मतलब वो थर्टी से ज़्यादा है पर वो लेस देन क्या है फिफ्टी मतलब कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अब देखो थर्टी से ज़्यादा मतलब कि ये तो सब नहीं आएंगे ऊपर वाले ख़त्म ठीक है थर्टी से शुरू हैं पर उसने क्या बोला लेस देन फिफ्टी मतलब लेस देन फिफ्टी तो फोर्टी नाइन तक ख़त्म हो जाएगा तो ये भी ख़त्म अब उसने क्या बोला है सिर्फ सेक्शन ए के तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा फोर प्लस एट तो आई होप आपको वैसे आंसर पता ही लग गया होगा पर फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं समझाऊंगी मैं सारे क्वेश्चन आपको पर जो आपको आंसर है फाइनल वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ओके okay, नेक्स्ट इफ द पास मार्क इज फोर्टी अप्रोसीमेटली वट इज़ द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी देखो इसने क्या बोला अगर पास मार्क्स फोर्टी है तो क्या परसेंटेज होगा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का सेक्शन बी में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो इसने क्या बोला अगर पास मार्क्स फोर्टी है मतलब फोर्टी से ऊपर उप, ऊपर वाले सब आएंगे और किसके सेक्शन बी के सिर्फ तो सेक्शन ए को तो आप वैसे इग्नोर कर दोगे तो हमारे पास देखो यहीं से एक टेबल बन गई कि क्या बना है फोर्टी से अबव मार्क्स वाले जितने हैं वो सारे किस कैटेगरी में हैं पास वाली कैटेगरी में हैं तो सेवन प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस सिक्स कितना हुआ ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री और टोटल हमें कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं मतलब सक्सेसफुल रेट बताना है हमें दोनों में कितने हैं फोर्टी फाइव मतलब सेक्शन बी में मिला के कितने थे फोर्टी फाइव और इंटू में हंड्रेड तो ये आपके पास क्या निकल जाएगी यहाँ पे सक्सेसफुल रेट परसेंटेज ठीक है इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेक्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हैव हैव्टेन फिफ्टी और मोर देन फिफ्टी मार्क्स कि कितने स्टूडेंट्स ने सेक्शन ए और सेक्शन बी में ऑप्टेन किए हैं फिफ्टी और और मोर देन फिफ्टी मार्क्स देखो कि इसने क्या बोला है अब दोनों सेक्शंस में मिला के हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में जिसने ऑप्टेन किया है फिफ्टी और उससे ज़्यादा मार्क्स मतलब अब हमें दोनों सेक्शंस का मिलाना है तो फिफ्टी और फिफ्टी से ज़्यादा तो मतलब ये तो ऊपर वाला तो ख़त्म ये हम हम कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे पास हैं अगर दोनों सेक्शन के तो हम किससे करेंगे फिफ्टी से ज़्यादा मार्क्स कौन कौन से स्टूडेंट्स के हैं इन स्टूडेंट्स के हैं ठीक है फोर प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस सिक्स अगर आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली तो मैं जूम कर देती हूँ फोर सेवन फाइव 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 सिक्स ठीक है तो ये आपको प्लस करके मुझे फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है नेक्स्ट इफ द पास मार्क इज थर्टी वट इज़ द नंबर ऑफ फेलियर इन बोथ द सेक्शंस टुगेदर इसने बोला कि अगर जो बच्चे हम सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे जिसने पास मार्क्स कितने लिए हैं थर्टी लिए हैं मतलब जिसके थर्टी मार्क्स थे ठीक है मतलब कि थर्टी से ये वाले सब नीचे वाले सब उसमें कंसिडर होंगे पास वाले में पर इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फेलियर्स कितने होंगे बोथ सेक्शंस दोनों सेक्शंस के मिला के दोनों सेक्शंस के मिला के कितने होंगे देखो ये हमारे पास ख़त्म तो हमारे पास जो दोनों सेक्शंस के मिला के होंगे वो कितने होंगे ये वाले जो भी हमारे ऊपर दिख ऊपर दिख रहे हैं टू प्लस फाइव प्लस टेन प्लस फोर प्लस फाइव प्लस नाइन ठीक है क्योंकि ये वाले स्टूडेंट क्या हो गए ऑटोमेटिकली फेलियर में हो गए ना थर्टी क्योंकि पास मार्क्स कितने थे थर्टी ठीक है नेक्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट इन सेक्शन ए इन सेक्शन बी टुगेदर है ऑप्टेन लेस देन टेन मतलब कि कितने अगर उसने कितने स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के मिला के जिसने ऑप्टेन किए हैं मार्क्स लेस देन टेन लेस देन टेन ओके लेस देन टेन हमारे पास क्या है तो मतलब ये सब गए है. तो हमारे पास सिर्फ लेस देन टेन कौन सा बचता है जीरो टू नाइन और दोनों सेक्शन के मिला के करने हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा टू प्लस फोर तो इसका आप मुझे सारे आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे अगर आपको समझ में आया ये डीआई और ये बहुत ही ईजी डीआई था बहुत ही मतलब आप सिर्फ इसको विद इन टू मिनट्स अगर आपने टेबल कंसिडर कर ली थी तो विद इन टू मिनट्स आप इसको सॉल्व कर सकते थे पर बी केयरफुल आपको जल्द जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसे डाटा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि मैथमेटिकल है और आपको इसमें फुल मार्क्स स्कोर करने का पूरा पूरा चांस है तो टेन मार्क्स ये आपके बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे और अभी हम ऐसी बहुत सारी सीरीज़ लेके आने वाले हैं जो पेपर वन के रिगार्डिंग होगी पेपर टू के रिगार्डिंग भी होगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस स्टे एट होम थैंक यू